सरकार निश्चित रूप से एक जो है स्टेबल रूप से चलेगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। दोबारा जो है पूर्ण बहुमत, अभी भी हम 242 के आसपास हैं, काउंटिंग अभी कुछ राउंड की काउंटिंग बाकी है, तो मुझे लगता है कि भाजपा अपने दम पर जो है 260-265 के आसपास जो है रहेगी और जो NDA का जो पूरा कुनबा है वो मिलाकर 300 से पार जाएगा और ये निश्चित रूप से 5 साल तक एक जो है स्ट्रांग गवर्नेंस जो है देश की जनता को देगा। राहुल गांधी की पार्टी जो 99-100 के आसपास पहुंच गई है तो बेचारी EVM बदनाम होने से बच गई है, नहीं तो ये लोग जो है पूरी तरीके से सारा का सारा जो है हार का ठीकरा EVM पर फोड़ने वाले थे। देखिए, दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जो है जेल के अंदर रहे, ये इसका जनादेश है। अरविंद केजरीवाल 22 सीटों पर देश में लड़ रहे थे और 3 सीटों पर वो जो है बढ़त बनाए, वो भी पंजाब के अंदर। आपने दिल्ली के युवाओं के हाथ में एक के साथ एक फ्री दारू की बोतल देने का पाप किया है, इसीलिए आपका जेल में सड़ना आवश्यक। लोकसभा के चुनावी परिणाम आए हैं, इसको देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 400 के पार का नारा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, कहीं ना कहीं यहां पर क्या कमियां रही हैं जिसकी वजह से इस बार इतना नकार दिया, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने जहां पर डबल इंजन की सरकार। देखिए, 400 पार का जो नारा था वो एक स्ट्रैटेजिक नारा था, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए हर पार्टी इस प्रकार के नारे और इस प्रकार की जो है शब्दावली का प्रयोग करती है। जब 2014 में देश के अंदर कांग्रेस की सरकार जा रही थी तब भाजपा अपने दम पर 272 लेके आई, 2019 में हम 303 लेके आए और उसी चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बरकरार रखने के लिए जो एक नारा गढ़ा गया, अब की बार 400 पार। हाँ, उसके उस 400 के नारे के कई मिस इंटरप्रिटेशन विपक्ष के लोगों ने समाज के बीच में ले जाके करने की कोशिश करी कि ये जो है बड़े संवैधानिक बदलाव की ओर ले जाएंगे, ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे फलाना, और जो आज का जो रिजल्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंकित करता है कि वो अपने प्रोपोगेंडा में कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आए। उन्होंने लोग के बीच में जो भ्रम की राजनीति उन्होंने शुरुआत की थी उसको उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क में बिठाने का काम किया। जो उन्होंने फ्रीबीज की राजनीति करी कि 1 लाख खटाखट खटाखट खटाखट, वो कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों के मन में काम कर गया। हाँ, और 10 वर्ष के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर NDA जो है पूर्ण बहुमत के साथ वापस आ रही है तो निश्चित रूप से ये देश के लिए, देश के अंदर स्थायी राजनीति के लिए ये एक बड़ा जो है ये स्वागत योग्य कदम है। साथ में ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से BJP जो है वो इस बार आंकड़ा पार नहीं कर पाई है मेजोरिटी का अपने दम पर, तो जिस तरीके से NDA गठबंधन है तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट बन जाती है तो वो अनस्टेबल रहेगी इस पर। देखिए, 2014 में लगभग 30 वर्षों के संघर्षों के बाद देश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई जिसने 10 साल तक जो है स्थायी राजनीति देने का काम किया, और आज जो NDA के ये जो पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर्स हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, वो कई वर्षों से, कई दशकों से जो है NDA का हिस्सा रहे हैं और वो आज जो है आने वाली सरकार के लिए अगर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो निश्चित रूप में ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, उसका एक साइन है। और हिंदी बेल्ट, जिसको हम हिंदी भाषी बेल्ट बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में हम देखें कि हमें एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हमें राजस्थान में नुकसान हुआ है, हमें कुछ हद तक हरियाणा के अंदर नुकसान हुआ है, हमें उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, जिसका जो है डीप एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसी चीज़ें रही कि इतने विकास के बड़े बड़े आयाम जो है हासिल करने के बाद भी उन सीटों पर जो है हम जो है तीसरी बार उन सीटों पर जो है हम विजयश्री का परचम नहीं लहरा पाए। तो ये एक संगठन के लिए पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है, रीएनालिसिस करने की आवश्यकता है और उन गलतियों से सीखने और सुधारने की आवश्यकता है। और रही बात सरकार की, सरकार निश्चित रूप से एक जो है स्टेबल रूप से चलेगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। दोबारा जो है पूर्ण बहुमत, अभी भी हम 242 के आसपास हैं, काउंटिंग अभी कुछ राउंड की काउंटिंग बाकी है, तो मुझे लगता है कि भाजपा अपने दम पर जो है 260-265 के आसपास जो है रहेगी और जो NDA का जो पूरा कुनबा है वो मिलाकर 300 से पार जाएगा और ये निश्चित रूप से 5 साल तक एक जो है स्ट्रांग गवर्नेंस जो है देश की जनता को देगा। अभी तक जो EVM पंचायत से लेकर तमाम चुनावों पर EVM को लेकर सवाल उठाता था, आज वो गठबंधन जो है और वही विपक्षी पार्टियां चुप हैं कि आज देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है या फिर आज EVM खराब। आपने कल अखिलेश यादव का बयान सुना होगा जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को
को सर पे कफन बांध कर तैयार रहने के लिए बोल रहे थे। आपने कांग्रेस के नेतृत्व का वो लेटर देखा होगा जिसमें वो लार्ज नंबर्स पर अपने जो है कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने के लिए कह रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि काउंटिंग सेंटर्स के आसपास जो है अपने कार्यकर्ताओं को खड़े होने के लिए बोला होगा। आपने विपक्षी दलों के उन तमाम नेताओं को ये कहते हुए सुना होगा कि लाठी डंडा के साथ खड़े हुई है। आपने विपक्षी नेताओं को कहते सुना होगा कि डीएम की लाश जाएगी। ये मैं आपको 24 घंटे पहले का मजमा बता रहा हूं। और आज राहुल गांधी की पार्टी जो है 99-100 के आसपास पहुंच गई है, तो बेचारी ईवीएम बदनाम होने से बच गई है। नहीं तो ये लोग जो है पूरी तरीके से सारा का सारा जो है हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने वाले थे। पर आपने देश के अंदर कहीं पर भी किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को या किसी नेता को ईवीएम के बारे में बोलते हुए या लोकतंत्र की हत्या होते हुए कहते हुए नहीं सुना होगा। आज आप बंगाल के अंदर देख लीजिए, भाजपा के जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, उनको जो है काउंटिंग सेंटर के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। वहां भारतीय जनता पार्टी के जो है जिला कार्यालयों पे अभी से आगजनी करनी शुरू कर दी गई है, पर कोई भी नहीं बोलेगा कि लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, आज ये एक हेल्दी प्रोसेस था। इस देश के अंदर लगभग 64.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला और आज उसकी काउंटिंग हो रही है, और जो भी रिजल्ट आ रहा है जो है, मैं एक कार्यकर्ता के नाते मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लोकतंत्र में जो जनता जनार्दन अपना निर्णय लेती है वही सर्वोपरि है। और यदि कोई ये कहे कि रिजल्ट यदि हमारे पक्ष में नहीं आए और ईवीएम का मैन्युफैक्चर डिटेल आए तो देश में आग लगेगी, बड़े नेताओं ने कहा था ना, इस बयान के ऊपर किसी बड़े मीडिया हाउस ने चर्चा नहीं करी, पर आज उनके नंबर जो है पिछली बार से बेहतर आए हैं, तो अब वो जो है कोई आग लगाने की और इस प्रकार की जो है कॉन्ट्रोवर्शियल बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर बात करें देश की राजधानी की, क्योंकि इस समय पर हम राजधानी में ही खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं या मोदी को जिताते हैं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। पर उसी दिल्ली से सुपड़ा साफ हो गया है, आम आदमी पार्टी का सातों की सातों सीट बीजेपी के खेमे में आई है। इस पर देखिए, दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जो है जेल के अंदर रहे, ये इसका जनादेश है। अरविंद केजरीवाल 22 सीटों पर देश में लड़ रहे थे और 3 सीटों पर वो जो है बढ़त बनाए, वो भी पंजाब के अंदर, जहां वो ये कह रहे थे, जहां के वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, कि आपका एक दिया हुआ वोट मेरे और जो है जेल के बीच में जो है आएगा। तो आज दिल्ली की जनता ने जब सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी को दी है, तो दिल्ली की जनता ने एक स्पष्ट जनादेश ये दे दिया कि हाँ, आप जो दिल्ली की जनता को गली गली में स्कूल खोलने का वादा करके आए थे, गली गली में हॉस्पिटल और कॉलेजेस खोलने का वादा करके आए थे, आपने दिल्ली के युवाओं के हाथ में एक के साथ एक फ्री दारू की बोतल देने का पाप किया है, इसीलिए आपका जेल में सड़ना आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। सर, ये बताइए, अगर हम उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक तरफ सातों सीटें बीजेपी के खामे में, वहीं जिस उत्तर प्रदेश से उम्मीद नहीं थी और वहां पर इतना बड़ा झटका बीजेपी को, तो क्या क्या कारण रहे? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विपक्ष ने जो है एक जातिगत कार्ड खेला, और वो जातिगत समीकरण का कार्ड कहीं ना कहीं उनका चल गया है, और जो वो चाहते थे जैसे कि मुस्लिम वोट को पोलराइजेशन करने का भरपूर प्रयास किया गया और हिंदुओं को विभिन्न जातियों में बांटने का प्रयास किया गया। आपने देखा कि एक प्रोपोगेंडा चलाया गया कि जो है राजपूत बड़े नाराज हैं, तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट में चले जाइए, ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि जाटों के बीच में बड़ी नाराजगी है। देखिए, एनडीए की सरकार ने 10 साल तक बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी जातिगत भेदभाव के विकास का काम किया है। अगर उसके बावजूद भी विपक्ष का प्रोपोगेंडा ये चल जाता है, तो आज संगठन के लोगों को निश्चित रूप से बैठकर जो है ये जो है एनालिसिस करने की, डीप एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि ये जो सोशल फैब्रिक को तहस नहस करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है, जिसके पीछे बड़े बड़े एनजीओज हैं, बड़े बड़े जॉर्ज सोरोस जैसे फंडर्स हैं, उनके पैसों का जो ये पेनिट्रेशन पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से समाज के अंदर हुआ है, और ये इस टाइप का मैंडेट आया है, तो ये आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है और इस पे आज ही काम करना बहुत आवश्यक है। ये बताइए सर, विपक्ष ने पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में भी आते हैं तो देश में लोकतंत्र या संविधान खतरे में आ जाएगा, और जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, क्या लगता है कि बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो वाकई में विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, जो लोगों के लिए ये कहकर बरगला रहा था कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी अगर प्रधानमंत्री फिर आते? आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी 10 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते हैं, उन्होंने कितनी बार इस देश के संविधान में संशोधन किया? उनकी दादी ने कईयों बार संविधान के अंदर संशोधन किया, उन्होंने कईयों दर्जनों भर चुनी हुई सरकार को जो है बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया, मोदी जी ने तो एक बार भी नहीं किया।
जिस मोदी को वो हिटलर बताते हैं, मोदी जी का कोई एक ऐसा कृत्य बता दीजिए कि जिससे ये प्रमाणित हो कि देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर खतरा है। आज सोचिए, आज जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है या जहां कांग्रेस की सरकार है, उन तमाम राज्य सरकारों ने, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो दूसरी पार्टी के नेता हों, चाहे कार्यकर्ता हों, उनको या उनके उनके समर्थक हों, उनको झूठे आरोपों में जेल के अंदर जो है सड़ाने का काम किसने किया? आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या उद्धव ठाकरे की जैसी सरकारों ने किया। एक पत्रकार को उसके घर से कॉलर से पकड़कर खींच के ले जाया गया, तब इस देश के अंदर एडिटर गिल्ड नहीं बोला, तब इस देश के अंदर बड़े बड़े जो है स्वयंभू पत्रकारों के मसीहा नहीं बोले। पर आज बार बार बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी आधार के नरेंद्र मोदी की सरकार को हिटलर और जो है संविधान के ऊपर जो है कुठाराघात करने के नाम पर एक फेक प्रोपोगंडा चलाया गया। पर अगर नरेंद्र मोदी को ऐसे ही संविधान के ऊपर संशोधन करने होते तो 303 सांसद उनके पास 2019 में थे, 272 उनके पास 2014 में थे, उन्होंने आज तक नहीं किया। और जो लोग बार बार इस चीज की दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हाँ, उनके बाप दादाओं ने या उनके कठपुतली प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर तमाम बार जो है चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, उन्होंने तमाम बार जो है संविधान के अंदर संशोधन किए। आप बताइए, इस देश के संविधान को चेंज करके सेक्युलरिज्म डालने का काम पाप किसने किया? तो वो लोग जवाब दें जिन लोगों ने इस देश के संविधान को बार बार जो है खराब किया है, बार बार उसके अंदर चेंज किया है, और वो लोग आज जो है संविधान के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर जो है देश के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। तो ये जो लोग मौके की तलाश में है कि कब हमें सत्ता की मलाई मिले और हम जो है ये कह दें कि देश में संसाधनों का अधिकार एक संप्रदाय विशेष का है, वही लोग इस ताक में बैठे हैं। आज बताइए, आज कर्नाटक के अंदर एक पार्टी की सरकार जो है पूरा का पूरा ओबीसीज का रिजर्वेशन मुसलमानों में बांट देती है, तब वो संविधान जो है खतरे में नहीं आता, बाबा साहब का संविधान खतरे में नहीं आता, परंतु सिर्फ एक बीजेपी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर जो है एक डर की राजनीति जो ये विपक्ष कर रही है, ये जो है स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं है, और जनता इसका जवाब समय समय पर देती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी।